हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल जो है वो कौन थे, उनके वंशज कौन थे। तो क्रियाकलाप एक दिया गया है बेटा, आपको ये चित्र देखकर जो है पता चल गया होगा कि ये क्या है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि ये जो है इसका नाम क्या है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर चित्र को पहचानिए और स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। तो ये कहाँ है, ये दिल्ली में उपस्थित है। दूसरा क्या है, शाहजहाँ द्वारा ये बनवाया गया है। तीसरा, इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो बताइए बेटा जल्दी से ये क्या है, क्या इस इमारत का नाम क्या है। ज़रूर आपने यहाँ पर विजिट किया होगा, आप वन डे टूर पे ज़रूर गए होगे और आपके टीचर्स आपको यहाँ पर कभी ना कभी ज़रूर लेकर भी गए होंगे, क्योंकि मुगलों ने ऐसी बहुत सारी आप कह सकते हो ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया है जो दिल्ली में उपस्थित हैं और आपने ज़रूर उनको विजिट किया होगा। तो बेटा आई होप आपने अब तक कमेंट कर चुके हो। जी हाँ, ये क्या है, लाल किला। क्या है बेटा ये है लाल किला जो शाहजहाँ जो है द्वारा बनाया गया है और इसकी प्राचीर से जो है प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर क्या है, भाषण देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे पारिवारिक विरासत के बारे में कि जो मुगल थे उनके पूर्वज कौन थे। तो जो मुगलों की माता थी वो चंगेज खान के वंशज से उनसे जो है संबंधित थी, ठीक है। चंगेज खान के वंशज से उनकी माता थी और तैमूर के वंशज से उनके पिता थे। तो बेटा चंगेज खान एक ऐसा नाम है जो जिसको हम मौत का सौदागर जो है कह सकते हैं। चंगेज खान ने जो है हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और इसीलिए मुगल चंगेज खान के वंशज होने पर गर्व महसूस नहीं करते थे। तो माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई, उनके उत्तराधिकारी थे। और पिता की तरफ से वो तैमूर के वंशज, पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक, ठीक है, तैमूर, जिनकी मृत्यु कब हुई, 1404 में हुई, उनके वंशज थे, ठीक है। तो जो है ये उनके माता और पिता के वंशज थे। तब जो है क्या थे, मुगल जो है वो उन्होंने अपना जो है मुगल कहलाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी और यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। और उसके बाद देखिए, मुगल जो है वो तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो उनकी इसी उपलब्धि से वो तैमूर के वंशज होने पर ज़्यादा गर्व का अनुभव करते थे। तो बेटा यहाँ पर कुछ प्रमुख मुगल शासक जो है उनके नाम दिए गए हैं। तो वे कौन है, बाबर, बाबर के बाद कौन आए, हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद देखिए शाहजहां और फिर आए औरंगजेब। तो ये सब क्या है, ये सब प्रमुख मुगल शासक हैं। नेक्स्ट बच्चों हम क्रियाकलाप दो करेंगे। क्रियाकलाप दो में आपको कुछ चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, आपको अध्यापक और परिवारजनों की सहायता से इन चित्रों की पहचान करनी है और इनके संबंध में कुछ जानकारी आपको प्राप्त करके लिखनी है। तो बेटा ये आप आसानी से कर सकते हो, आपने ये इमारतें हो सकता है आप यहाँ पर गए भी हों और आपने इनके बारे में जाना हो, तो जो आपको जानकारी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो बेटा देखिए, पहला जो चित्र है वो चित्र जो है किसका है, ये क्या है, हुमायूं का मकबरा है और ये क्या है, ये जामा मस्जिद है, ठीक है। इसके बारे में तो आप बिल्कुल भली भांति परिचित हो। ये क्या है, जी हाँ ये ताजमहल है और ये जो है बुलंद दरवाजा है, ठीक है। तो आप बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कौन कौन सी जगह पर आप जो है गए हो, आपने कौन सी जगह का भ्रमण किया है। तो आइए बेटा इनको हम वन बाय वन इनके बारे में कुछ लाइनें जो है वो लिख लेते हैं। पहला क्या है, पहला है हुमायूं का मकबरा। तो 1533 में मुगल शासक हुमायूं द्वारा स्थापित पुराने किले के नजदीक दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट में ये स्थापित है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया, हुमायूं के द्वारा। बनाते समय उसमें लाल पत्थरों का उपयोग किए जाने वाला यह पहला मकबरा है, ठीक है, ये पहला मकबरा है जिसमें लाल पत्थरों का उपयोग किया गया। तीसरा क्या है बेटा, मुगल वंश के अनेक शासक जो है यहाँ हुमायूं के मकबरे में दफन है।
यानी यहाँ पर बहुत सारी, अगर आपने यहाँ पर जो है गए हो आप तो आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारी जो है कब्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुगल वंश के अनेक शासक यहाँ पर दफन हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है और इनको मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। इस मस्जिद का निर्माण का काम वर्ष 1650 में शुरू हुआ था और 1656 में बनकर यह तैयार हुई थी। और इस मस्जिद के बरामदे में करीब 25,000 लोग जो है एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट क्या है, ताजमहल। ताजमहल की खूबसूरती के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। तो बेटा ये सफेद संगमरमर से पत्थर से बना हुआ है और ये आगरा में यमुना नदी के किनारे पर दक्षिण तट पर ये स्थित है, ठीक है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए शुरू किया गया था। इसका जो निर्माण कार्य है 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के लिए शुरू किया गया था और इसे तीन तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये जो है तीन तरफ इसके जो है क्या है, बाग है, पूरा उद्यान है और उसके बीच में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट क्या है, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा बेटा, बुलंद दरवाजा क्या है, भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा में फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। सेकंड क्या है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद का अर्थ महान या ऊंचा है, ठीक है। तो बेटा ये आप जो है जानकारी इसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक है, मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे। तो बेटा यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मुगल जो है, देखिए लिखा हुआ है, मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि, तो आप इसमें लिखेंगे कि यहाँ पर चंगेज खान से जुड़ी, देखिए उनके वंशज, तो माता उनकी चंगेज खान के वंशज से थी और पिता उनके तैमूर के वंशज से थे, ठीक है। लेकिन माता जो है वो जो मंगोल वंशज था उस पर जो मुगल हैं वो यहाँ पर इनके ऊपर जो है गर्व नहीं करते थे चंगेज खान के कारण। तो आप इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे। एक पॉइंट तो आप ये लिखेंगे, चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, ठीक है, ये लिख के उसके बाद आप ये वाला लिखेंगे, मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे ज्यादा इसलिए क्योंकि उन्होंने इन महान पूर्वज क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था और जो मंगोल हैं वो जो है चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियों को याद नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थे इसलिए उनको उनके जो है वंशज होने पर गर्व नहीं था। तो ये जो दोनों आप जो दिए गए हैं लाइन, ये दोनों आप इसके आंसर में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।